सो इंजीनियरिंग हार्ड है या इजी? इंजीनियरिंग सच में बहुत ही आसान है कि बहुत सारे बच्चे निकलते हैं। इसका आंसर देने वाला मैं कौन होता हूँ? तो माय नेम इज़ लक्ष्य सिंह बारी, करेंटली अब फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। फाइनल ईयर भी नहीं बोलना चाहिए, आठवें सेमेस्टर में हूँ, दैट इज़ ऑन द फाइनल सेमेस्टर्स। एंड मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने एक भी सेमेस्टर में कोई सब्जेक्ट में बैक नहीं आई, या फिर केटी नहीं आई, या फिर किसी सब्जेक्ट में अभी तक फेल नहीं हुआ है। अरे तो क्या करूँ ना, हाँ। प्लस मैं टॉपर भी नहीं हूँ, बट आई एम इन द एवरेज कैटेगरी, जो कि जिसके CGPA समथिंग डिसेंट चल रहे हैं, लाई बिटवीन 7.5 टू 8.5 के बीच। इसमें ऑनलाइन का भी बहुत बड़ा हाथ है, दैट इज फॉर द 3 semesters, बाकी इसमें मेरी ज्यादा मेहनत है। सो मेरा ओपिनियन या मेरा साइड इज द परफेक्ट ओपिनियन फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इंजीनियरिंग इज रियली दैट ईजी, क्योंकि ना मैं टॉपर हूँ ना मैं फेलियर हूँ। तो समझ गए होगे, एवरेज गाय विद द एवरेज रिव्यू, दैट्स इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर समझ रहे हैं कि हार्ड है इंजीनियरिंग, यू आर राइट, बट इंजीनियरिंग हार्ड कहाँ पर है? सम ऑफ माय फ्रेंड्स जो कि IIT से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एंड दे आर वे एक्सपर्ट फॉर मी इन देयर सब्जेक्ट्स, ठीक है, मतलब वो काफ़ी अच्छे थे मेरे सब्जेक्ट्स में 11th 12th में, तो उनके अनुसार उनके CGPA डाउन है, डाउन इन द सेंस उनके 6.5 चल रहे हैं, ठीक है। और इंजीनियर में आपके आसानी से बोला जाता है, मैक्सिमम लोगों के द्वारा बोला जाता है कि आपके 7.5 8.5 तक आसानी से आप खींच सकते हैं, 9 के ऊपर आपको बहुत मुश्किल पड़ता है, ठीक है, एज ऑब्वियस टॉप 1% में आना बहुत मुश्किल पड़ता है, ठीक है, आप एक मैक्सिमम एवरेज में आना बहुत आसान है, बट आपके टॉप में आना बहुत मुश्किल पड़ता है। तो IITs में शायद तक जो पेपर का लेवल है या फिर जो इंजीनियरिंग का लेवल है इज़ क्वाइट हार्ड, तो आपको वहाँ पर अगर आप हैं तो काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है। प्लस ज़्यादातर 18 वाले IITs के ही सपने देखने जा रहे हैं, तो IITs की इंजीनियरिंग आई थिंक इट वुड बी टफ, क्योंकि वो पूरा अपना ब्रांड को स्टिक करना चाहते हैं, मतलब अपने ब्रांड की जो शोभा है वो हमेशा बरकरार रखना पाते हैं, जो क्लास है उसको बरकरार रखने पाते हैं, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इंजीनियरिंग इज़ ईजी बिकॉज ऑफ सम सब्जेक्ट, मतलब ज़्यादातर सब्जेक्ट्स ईजी रहते हैं, बट कुछ सब्जेक्ट में जस्ट लाइक मेरा इंटरेस्ट है, आपको पता है मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हूँ, तो मेरे को जो सब्जेक्ट बिल्कुल बकवास लगते हैं या मेरे को पसंद नहीं है, दैट इज़ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स वाला एरिया, और थर्मोडाइनमिक्स में भी स्पेसिफिकली हीट एंड मास ट्रांसफ़र वाला, एंड RAC को भी मैं कंसिडर करूँगा। RAC मतलब यहाँ पर रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग वगैरह ACs की बात की जाती है, जो कि मेरा 7th semester में था, और जनरली स्पीकिंग या 8th semester का ये वाला जो सब्जेक्ट था 7th semester में RAC, दैट इज़ रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, इसमें मेरे को भी डर था कि कहीं मेरी KT ना लग जाए या मैं इसमें फेल नहीं हो जाऊँ, बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा वीक था, ठीक है, मैं जितना भी पढ़ लूँ इसमें कुछ नहीं, और बाकी के सब्जेक्ट्स जैसा प्रोडक्ट डिज़ाइन हो गया, ठीक है, यहाँ पर पूरे मतलब बिजनेस परसेप्शन वाले सब्जेक्ट्स, इसमें मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, इसलिए मैंने ज़्यादा पढ़ा भी नहीं था, बट माई ग्रेड्स वर टू गुड इन दैट, ठीक है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग मेरे ग्रेड्स काफ़ी है, मतलब सेटिस्फाइड था मैं अपने ग्रेड से। तो मूविंग ऑन, अपने इंजीनियरिंग को अब थोड़ा 12th पे ले जाते हैं, ठीक है, पीछे ले जाते हैं, तो कुछ सब्जेक्ट जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं आता है वो सब्जेक्ट आपको ये जो इंजीनियरिंग डिग्री है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर देंगे, इवन द प्रैक्टिकल्स है ये सब चीज़ें भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर देंगे, और मोस्ट कॉमनली मोस्ट ऑफ द पीपल वुड एग्री कि आपको भी लगता है कि थर्मोडायनेमिक्स इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट चॉइसेस, ठीक है, काफ़ी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स है, क्योंकि इवन द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को भी पता नहीं है कि थर्मोडायनेमिक्स किसके अंदर आता है, या फिजिक्स में भी पढ़ते हैं केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। और प्लस एक चीज़ और मैं बोलूँगा, मेरे टीचर ने बोला था हीट एंड मास ट्रांसफर का जब सब्जेक्ट चल रहा था, जो कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ही आते हैं, एक रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट था, ठीक है, हीट एंड मास ट्रांसफर, तो उन्होंने बोला था बेटा अगर इस सब्जेक्ट का अच्छे से अगर पेपर बने तो एक्चुअल में तुम तो क्या मैं भी फेल हो जाऊँगा, एंड ही इज़ द PhD इन दैट सब्जेक्ट, ठीक है। तो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसको आप डिटेल में जाएंगे ना तो उतना ही डिफ़िकल्ट पड़ता जाता है। अब इंजीनियरिंग ईजी एक और वजह से पढ़ती है, क्योंकि ज़्यादातर इंस्टीट्यूट, दैट इज़ 3500 से 4500 इंस्टीट्यूट आ चुके हैं, ज़्यादातर इंस्टीट्यूट फॉलो दैट सेम पैटर्न फॉर द पेपर्स, दैट इज़ PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही रिपीट होते हैं। तो कुछ जो PYQs रहते हैं वो ज़्यादातर, देखो कोई भी पेपर बनता है तो वो ऐसा पेपर बनाने की कोशिश की जाती है कि जो आपकी यूनिट है या फिर आपको कुछ जो एक चैप्टर है वो ज़्यादा तक पूछ लिया जाए आपसे, तो PYQs ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो कि एक क्वेश्चन में आपके करीब करीब आधा चैप्टर को कंप्लीट कर सकें, ठीक है, तो इस तरह से पेपर्स बनते हैं, तो आपका जो आधा नॉलेज है ऐसे क्वेश्चन में ही पूछ लिया जाता है।
तो दैट्स द रीज़न कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो आसानी से निकल सकते हैं। इवन आपके यहाँ पर जो कोर जो आपके सिलेबस है वो थोड़ा सा शॉर्ट रहता है एज़ कम्पेयर टू 11th एंड 12th, तो ज़्यादातर जो 11th एंड 12th के बच्चे वो फाइंड ईजी फॉर दैट। ठीक है, अगर मैं इसे आज भी बोल दूँ कि 11th को रिपीट करना खुशी होगी या फिर आपको इंजीनियरिंग करना, तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि भाई मेरे को इंजीनियरिंग फिर से करा दो, बट मैं 11th नहीं कर सकता क्योंकि 11th इज डैम हार्ड। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ सब्जेक्ट्स इस यहाँ पर कुछ इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट्स थे 11th में, आई डोंट फील दैट इंटरेस्ट। ठीक है, दो सब्जेक्ट जो लैंग्वेज वगैरह के थे एंड थोड़ा फिजिक्स एंड थोड़ा केमिस्ट्री वगैरह कुछ चैप्टर्स बस। ठीक है, तो वो एक क्राइटेरिया है कि हो सकता है आपका इंटरेस्ट वगैरह। जस्ट लाइक मेरे को बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स इसमें बात करूँ तो इस सेमेस्टर में मेरे को प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छे थे, ऑटोमेशन वगैरह जो टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स थे थोड़ा सा आपको नहीं समझ आ रहा होगा, बट ये जो सब्जेक्ट्स थे मेरे को काफ़ी अच्छे लगते थे और इसमें मेरा इंटरेस्ट था। बट कई बार ऐसा भी होता है कि टीचर्स की वजह से भी आपके कुछ सब्जेक्ट्स खराब हो सकते हैं। जस्ट लाइक 4 years ऑफ इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट था जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद था, बट बिकॉज ऑफ द टीचर उसमें मैं अच्छा स्कोर तो अलग केस है, बट उसमें मेरे को इंटरेस्ट नहीं आया। ठीक है, और वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद सब्जेक्ट था, बट टीचर का जो एक परसेप्शन था, ठीक है इसमें मेरी गलती भी बोलूँगा बट 100% मेरी गलती भी नहीं होगी, मैक्सिमम टाइम मेरी गलती है बट कुछ एक अमाउंट ऑफ टाइम हमारे टीचर की भी गलती थी। तो ये वाली स्टोरी को अभी बंद कर देते हैं ना। तो डिफ़िकल्टी इंजीनियरिंग सबकी अलग अलग है, बट कंक्लूजन में अगर आए तो इंजीनियरिंग जो है वो नाइदर डिफ़िकल्ट है नॉर आपकी इजी है, इट्स जस्ट एन एवरेज पर्सन जैसे कि हम लोग। और एक चीज़ और है कि आप इंजीनियरिंग में ज़्यादातर अगर आप एक स्ट्रैटेजी से पढ़े, ठीक है यहाँ पर आपको नॉलेज नहीं बट आपको अगर एग्जाम्स के परसेप्टिव से पढ़े तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द पैटर्न। सिर्फ आपको पैटर्न समझने, देखो दो मैंने अपने अनुसार बना चुका है, आई एम नॉट नॉलेजेबल इनफ फॉर द इंजीनियरिंग। ठीक है, मैं मतलब अपने आप को इंजीनियर कहना ही पसंद नहीं करूँगा बिकॉज आई नो नथिंग अबाउट इट। एज अ एग्ज़ाम मैं एग्ज़ाम आसानी से क्रैक करना जानता हूँ इंजीनियरिंग के खासकर, तो एग्ज़ाम क्रैक करना अलग हो जाता है, इवन आपका जो नॉलेज है वो अलग हो जाता है। ठीक है, नॉलेजेबल बंदा कई बार केसेस में देखा जाता है कि एग्ज़ाम के लिए वो बना नहीं है, बट एग्ज़ाम जिसने क्रैक किया वो ज़रूरी नहीं कि वो एग्ज़ाम क्रैक कर लिया तो वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। ठीक है, तो ये एक अजीब सा ज्ञान की बात के साथ हम एंड करेंगे, और अगर ये इंफॉर्मेटिव लगा है वीडियो तो लेट मी नो, और अगर अच्छा लगा यार तो सब्सक्राइब कर सकते हो, दैट्स इट फॉर इट। और इंस्टाग्राम वगैरह में अगर आपको कुछ और भी डिटेल्स चाहिए, बात करना चाहते हो, कन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहते हो, जस्ट कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, आपके लिए बैठे हैं वहाँ पर, आप बातचीत कर सकते हो, कनेक्शन बना सकते हो, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और एक और वीडियो है यार कि आपको एक इंजीनियरिंग हार्ड और ईजी तो एक अलग सिनेरियो है, बट अगर आपको पता ही नहीं है कि इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हो तो मेरे हिसाब से ये वाला वीडियो आपको चेक करना चाहिए जो मैं आपको एंड में दिखा दूंगा, वाई 2023 वाला जो वीडियो हो, दैट्स द मोस्ट आई थिंक आपको देखना चाहिए अगर आप कंफ्यूज हो। टिल देन गाइस, यू हैव अ गुड डे, और अच्छे से रहना, ब्लेस्ड रहना, और नई सी वीडियो में हम मिलते हैं। वाई आर यू प्रिपेयरिंग फॉर JEE? वाई यू वॉन्ट टू बी द इंजीनियर? आपको क्यों अपनी स्लीप साइकिल को इम्प्रूव करना है? यू वॉन्ट टू बी इम्प्रूव एज अ पर्सन? वाई यू वॉन्ट टू अवॉइड द स्ट्रीट फूड? और बहुत से वाई आएंगे हम